58% आरक्षण पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भूपेश बघेल सरकार हरकत में है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार की शाम प्रदेश में नई भर्तियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी अधिकारियों को शासकीय पदों में भर्ती आदि के संबंध में तत्परता से आवश्यक कार्रवाई करने को निर्देशित किया। इस मुद्दे पर बीजेपी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई व्यवस्था को भाजपा की वैचारिक जीत बताते हुए कहा कि भाजपा शासनकाल में लागू अनुसूचित जनजाति के 32% आरक्षण पर कांग्रेसियों द्वारा लगवाई गई रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। अब मुख्यमंत्री को भी समझ लेना चाहिए कि वे संविधान से ऊपर नहीं हैं। और एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट ने जो आदेश आरक्षण का बिल खारिज किया था उसमें रोक लगाई है, उससे निश्चित रूप से हम लोग जो चाहते थे कि अनुसूचित जाति 13%, अनुसूचित जनजाति को 32, पिछड़े वर्ग को 27 और EWS को 4% मिले, ये विधानसभा में बिल पारित हुआ था। लेकिन अब इसके मिलने से ये है कि भर्ती की प्रक्रिया इससे शुरू हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे पद हैं जिसको जिसमें केवल नियुक्ति पत्र देना है, आरक्षण के कारण शुरू का था जो सब इंजीनियर का, अब उसके बाद बहुत से विभाग हैं जिसमें भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही तो 58% आरक्षण व्यवस्था लागू की थी, हम ही लोगों ने लागू किया था, ये तो कोर्ट में गए थे उसके खिलाफ। भाई भूपेश बघेल जी और कोनार शुक्ला जी ये तो 58% आरक्षण के खिलाफ में गए थे, ओबीसी को जो आरक्षण मिला उसके खिलाफ में गए थे। 58% आरक्षण तो हम लोगों ने लागू किया था विधानसभा में पारित करके, ये तो उसको चुनौती दिए थे। तो जो हमने लागू किया था उसी को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहरा दिया। 76% आरक्षण पर अभी भी राज्य सरकार का उम्मीद है और राज्यपाल के नाम पे उन्होंने ट्वीट भी किया है। देखिए ऐसा ही है, छत्तीसगढ़ की सरकार और राजभवन का, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इतना ही आग्रह करता हूं कि जब भी बात करें संविधान के दायरे में बात करें, मुख्यमंत्री संविधान से ऊपर नहीं, कानून से ऊपर नहीं। राजभवन के बारे में अर्गलर टिप्पणी कभी नहीं करना चाहिए। महामहिम राज्यपाल महोदय हमारे इस प्रदेश के संविधान के मुखिया हैं, और कभी मुख्यमंत्री राजभवन का घेराव करने जाते हैं, कभी उनका किसी को एजेंट बताते हैं, ये एक मुख्यमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देता।